हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। माइथिल संगम पाल। आई होप आप सभी लोगों का प्रिपरेशन आईबीपीएस क्लर्क के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। देखिए, जैसे आप लोगों को पता ही है कि नेक्स्ट वीक से आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिमिनरी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आपके हाथ में अभी 5 to 6 days है। तो आप 5 to 6 days में ऐसा किस क्या स्ट्रेटजी बनाए, किस तरह प्लान एग्जीक्यूट करें कि ताकि आपका एक्यूरेसी, स्पीड एलोंग विथ आपका मार्क्स भी मैक्सिमाइज हो पाए। वीडियो में मैं वही आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर कुछ नया सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको लोगों को पता ही है कि 5 to 6 days है, तो 5 to 6 days में मैं आपको आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जो स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए सूटेबल होगा। देखिए, मैं जो स्ट्रेटजी बताता हूं, मैं तुक्के में नहीं बताता हूं, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं वो स्ट्रेटजी मेरे ऊपर खुद मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है, उसके बाद मैंने स्टूडेंट को भी वही स्ट्रेटजी मैंने बोला है, उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। एंड मैं आपको बोलता हूं, एटलीस्ट वो एक बार के लिए भी वो स्ट्रेटजी आप लोग ट्राई कीजिए मॉक में। एंड अलोंग विथ आप लोग अगर बेनिफिट मिलता है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा कि हाँ यूजफुल था बोल के, तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे आप लोगों को पता ही है कि आईबीपीएस क्लर्क में 3 सेक्शन होता है। आरआरबी में तो 2 सेक्शन था, वहां पे कंपोजिट टाइम था, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क में 3 सेक्शन होता है एंड तीनों सेक्शन के लिए इंडिविजुअल टाइम होगा 20 मिनट। एग्जाम हॉल में फर्स्ट क्या सेक्शन आएगा? इंग्लिश सेक्शन आएगा। देखिए, इंग्लिश सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां पे स्कोरिंग करना सबसे इजी है, उतना टाइम भी नहीं लगता। लेकिन आप लोग अभी बोलेंगे क्या सर, क्या बोल दिया आपने। हाँ, लेकिन इंग्लिश सेक्शन ऐसा भी एक सेक्शन है जहां पे आपका एक्यूरेसी बर्बाद होने का भी सबसे बड़ा खतरा होता है। यह भी सच है कि नहीं? यस, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं उनमें से 80% more than 80% बच्चों का इंग्लिश में ही प्रॉब्लम होता है। क्योंकि इंग्लिश में बच्चे लोग तो अटेम्प्ट तो कर लेते हैं मैक्सिमम, लेकिन उसको पता नहीं होता कि गलती कहां कर रहा है। चल जाने के बाद ही पता चलता है कि इंग्लिश में गलती हो गया, इसी के लिए कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। तो जैसे आपको पता ही है कि आईबीपीएस क्लर्क में थोड़ा अटेम्प्ट तो ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का लेवल उतना तो हाई तो आएगा नहीं, तो आपको यहां पे स्किप करने का चांसेस थोड़ा कमती रहेगा। मैं आपके लिए जो स्ट्रेटजी बताऊंगा अभी, उन लोगों के लिए जिनका इंग्लिश में प्रॉब्लम है। ठीक है, जिन लोगों का इंग्लिश अच्छा है वो लोग तो अच्छा ही अटेम्प्ट करेगा, 27-28 उनको मार्क्स आएगा ही, डेफिनेटली उनका आएगा। जब आप लोग अटेम्प्ट करोगे ना, एक चीज माइंड में आप लोग रख लीजिएगा कि आपको एक सूझबूझ के साथ एक अच्छा सा अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपका आपका एक्यूरेसी भी अच्छा हो एंड आपको एक एवरेज मार्क्स मिल जाए। आप अभी बोलोगे सर एवरेज क्यों, अब मैं कैसे जानूं एवरेज कौन सा? अगर आपका इंग्लिश सेक्शन थोड़ा वीक है, अगर आप अगर 18 टू 20 मार्क्स लाते हो, दैट मेरे हिसाब से एक अच्छा है, मेरे हिसाब से एक अच्छा मार्क्स होता है। क्योंकि आप मान लीजिए कि आप लोग तो मॉक टेस्ट देते हो, कोई भी मॉक टेस्ट देते हो आप लोग, तो मॉक टेस्ट में आप एक बार दिखिएगा, आप मॉक टेस्ट में अगर 17 या 18 आपका मार्क्स अगर आता है तो आपका आपका परसेंटाइल मोर देन 85% चला जाता है, 80% मोर देन 85% परसेंटाइल, इवन 90% भी होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपका मतलब स्कोर अगर 92 आ रहा है तो इट्स ए गुड स्कोर। मतलब जिन लोगों का इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो आप लोग ये भी बात माइंड में रखिए कि जब आप लोग इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप जितना भी अटेम्प्ट करें 3 से 4 गलती आप करेंगे ही, ये आपको मानना पड़ेगा। ये बात सच बात है कि आप जितना केयरफुली अटेम्प्ट करें, जिनका इंग्लिश में प्रॉब्लम है 3 से 4 गलती उसका होगा, ये मैंडेटरी है। तो जब इंग्लिश सेक्शन ओपन हो तो आप किस तरह अटेम्प्ट करें? देखिए, मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑलवेज आप लोग पैराफिलर से स्टार्ट कीजिए, पैराफिलर हो या रीअरेंजमेंट हो। देखिए, रीअरेंजमेंट एंड पैराजंपल दोनों अलग होता है। पैराजंपल अगर हो तो उसको बाद में टच कीजिए, क्योंकि पैराजंपल में एक्यूरेसी बर्बाद होने का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि एक ही अगर एक लाइन अगर मिसमैच हो गया ना तो पूरा पैराजंपल गलत हो जाता है। ठीक है, आप दे रहे हो मॉक में अगर आपका इंग्लिश सेक्शन फर्स्ट रीअरेंजमेंट है, पैराफिलर है, वर्ड स्वैप है, तो यही तीनों सेक्शन में से कोई भी एक सेक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? इसके रीजन क्यों है? क्योंकि पैराफिलर यही तीन पार्ट में आपका गलती होने का चांसेस कम भी होता है, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो गया, पैराफिलर हो गया। पैराफिलर में क्या, आपके पास 5 words रहेगा, आपका अगर वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। अब तुक्का अगर मारोगे तो वो तो गलत बात हो गया ना।
अगर मैं आपको अगर नहीं पता, अगर पांचों वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, तो आप मत मत क्या कीजिए ना। तो इसीलिए इसमें गलत गलत होने का चांसेस कम ही होता है। उसके बाद एरर डिटेक्शन कीजिए या फेस करेक्शन कीजिए, एंड लास्ट में क्लोज टेस्ट कीजिए। एंड आरसी, आरसी को मत छोड़िए, मैं बोलूंगा आरसी का मत छोड़िए, लेकिन आरसी देन अटेम्प्ट करने के लिए आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो लेवल होगा ना, वो अच्छा खासा होना पड़ेगा। ये आईबीपीएस क्लर्क के लिए हो, आईबीपीएस पीओ, कोई भी प्री हो, मेंस हो, सबके लिए अगर आप आरसी अटेम्प्ट कर रहे हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन लेवल अच्छा होना पड़ेगा। अभी देखिए, जिन लोगों का इंग्लिश में अच्छा है वो लोग किसी से भी आरसी से भी अगर शुरू करें, उनके अटेम्प्ट अच्छा खासा होगा ही, क्योंकि उनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पार्ट है। मेरा स्ट्रेटजी मैं बोल रहा हूँ जिन लोगों का प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में, उसी के लिए, ठीक है। एंड आपका माइंड से ये चीज़ हटा दीजिए कि हमें मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाना है, नहीं। अगर आपका इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आप उसमें हाईएस्ट मार्क्स नहीं ला सकते, ये आपको मानना पड़ेगा। कभी कभार आ गया वो दूसरा बात है, लेकिन एक्सेप्शन को हम लोग नहीं लेके नहीं चल सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 20 to 25 अगर अटेम्प्ट करते हो, उनमें से अगर 18 to 20 आपका अगर आ रहा है, तो मैं बोलूँगा ठीक आ रहा है। आई थिंक आप लोगों को इंग्लिश का जो था समझ में आया होगा, इंग्लिश का जो पूरा किस्सा था मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड अगर मेरा प्लान है कि इंग्लिश का, जिन लोगों का इंग्लिश में प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए इंग्लिश किस तरह हैंडल करें एग्जाम में, अगर इसके रिगार्डिंग में आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, तो मैं जरूर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग में मैंने जो लास्ट 2 to 3 इयर्स का पेपर एनालिसिस किया है, पजिल आपका 15 to 20 मार्क्स का आ रहा है। लेकिन मैं आपको ऑलवेज एक बात बोलता हूं कि शुरुआत कभी भी पजिल या सिटिंग अरेंजमेंट से मत कीजिए। ये हर बार बच्चे लोग करते हैं और एग्जाम में फंसते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, आप अगर अदर्स चीज से स्टार्ट करते हो, आपके लिए सिलॉक्स रहेगा, इनइक्वालिटी रहेगा, डिस्टेंशन रहेगा, अल्फा एंड न्यूमेरिक रहेगा, वर्ड बेस रहेगा, मिसलिनियस रहेगा, वो सबसे स्टार्ट कीजिए ना। अगर मान लीजिए कि पजिल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से 20 मार्क्स भी आया, पजिल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से 20 मार्क्स भी आपका आया, रिमेनिंग कितना 15 मार्क्स आ रहा है, ये 15 मार्क्स करने में आपको मैक्स टू मैक्स 6 to 7 मिनट लगेगा। अभी बोलेंगे कैसे सर? अगर मैं बोलूँ 5 सिलॉक्स सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है यार, एक सिलॉक में मैक्स टू मैक्स 20 सेकेंड या 25 सेकेंड। अगर आप 5 सिलॉक्स सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, 120 मिनट, 120 सेकेंड मीन्स 2 मिनट। मैं 2.5 मिनट ही पकड़ लिया यार, बहुत ज़्यादा पकड़ लिया 2.5 मिनट। तो 5 सिलॉक्स इनइक्वालिटी, 5 इनइक्वालिटी से आता है, अगर 5 इनइक्वालिटी आता है तो कितना टाइम लगेगा, हार्डली 2 मिनट। तो मेरे हिसाब से ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को 6 to 7 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। एंड रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग टाइम आप पाजिल में दीजिए ना, क्योंकि अगर 4 पाजिल आ रहा है, 4 पाजिल आपके पास पाजिल एंड सिटिंग अरेंजमेंट अगर आ रहा है, इसमें से 2 या 3, एक थोड़ा पेचीदा होगा ये मैं मानता हूं, लेकिन 2 से 3 पाजिल बनने लायक होगा, 2 से 3 पाजिल बनने लायक होगा। उनमें 2 पाजिल तो इजिली बनने डुएबल होगा, इजिली डुएबल, एक डुएबल से थोड़ा ऊपर और एक थोड़ा घुमावदार। तो एंड मैक्सिमम अगर एक क्वेश्चन में ना, मैक्सिमम एक क्वेश्चन में 30 सेकंड इन्वेस्ट कीजिए। 30 सेकंड में अगर आप उसका लॉजिक क्रैक नहीं कर पा रहे हो, स्किप दैट, स्किप। जितना बड़ा क्वेश्चन हो, जितना इजी हो, छोड़ दीजिए 30 सेकंड। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस तरह अटेम्प्ट करते हो तो आपका अटेम्प्ट मैक्सिमाइज होगा, एक्यूरेसी भी मेंटेन होगा, एक कॉन्फिडेंस भी खुद में बिल्डअप होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना, स्पीड बढ़ जाएगा आपका, वो जब स्पीड बढ़ेगा उसमें साथ साथ एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना। तो बहुत चीज डिपेंड होता है, एक चीज दूसरे साथ इंटरलिंक्ड होता है। तो मेरे हिसाब से अगर इस तरह आप अटेम्प्ट करते हो, आपका मिनिमम अटेम्प्ट 30 प्लस होगा ही होगा, या 35 भी हो सकता है। अगर आपका स्पीड अच्छा है तो आपका अटेम्प्ट 35 भी हो सकता है। आईबीपीएस क्लर्क का बात बोल रहा हूं मैं, अगर पेपर थोड़ा टफ दे दिया वो तो दूसरा बात है, अगर नॉर्मल पेपर लास्ट ईयर का जैसा भी पेपर अगर आ गया, तो मैं बोलूँगा आपका अगर अटेम्प्ट अच्छा खासा, अगर आपका स्पीड अगर आपका अच्छा है, तो अगर इस तरह आप अटेम्प्ट करते हो सिस्टमेटिकली, तो आपका अटेम्प्ट 35 भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, आई थिंक रीजनिंग का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ क्वांट, मैं वही भी बात बार बार बोलता हूँ कि एरिथमेटिक का नॉलेज आपको चाहिए,
अगर दूसरे से आपको लीड लेना है तो एरिथमेटिक का नॉलेज होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एरिथमेटिक को फर्स्ट टच नहीं करना है, ना कि डीआई को। फर्स्ट किस चीज को टच करना है, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन जो भी आता है। देखिए डीआई 10 मार्क्स आने का चांसेस रहेगा, एरिथमेटिक 10 मार्क्स आने का चांसेस रहेगा मेरे हिसाब से। इससे थोड़ा ये एरिथमेटिक 10 से 12 हो सकता है या 8 टू 10 भी हो सकता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। ये मिसलिनियस से, ये टोटल पार्ट से 15 मार्क्स आएगा। तो ये क्या होगा, फर्स्ट आप यही टच कीजिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए। आपने तो आरआरबी क्लर्क का तो सिंप्लीफिकेशन देखा ही था, कुछ कुछ सिंप्लीफिकेशन मुंह में ही सॉल्व होने वाला था विदाउट पेन एंड पेपर, मैं ऑलरेडी बोला है आपको बात। तो यहाँ पे अगर 10 भी सिंप्लीफिकेशन आता है, 5 अप्रोक्सीमेशन, अगर 5 सिंप्लीफिकेशन भी आता है तो उसको सॉल्व करने में आपको मैक्स टू मैक्सिमम 3 मिनट, मैक्स टू मैक्स 3 मिनट, ठीक है। उसके बाद नंबर सीरीज या क्वाड्रिक, मान लीजिए नंबर सीरीज आ गया, नंबर से आने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्वाड्रिक आने का थोड़ा कमती होगा, क्वाड्रिक आने का चांसेस थोड़ा सा कमती होगा, नंबर सीरीज आने का थोड़ा सा चांस ज्यादा होगा। अगर नंबर सीरीज जाता है मिसिंग हो या रॉन्ग हो, आईबीपीएस क्लर्क में उतना हाई फाई देगा नहीं, मैं आपको बोला लेवल उतना हाई टफ नहीं होगा, ईजी होगा, ईजी होगा। अगर 5 क्वेश्चन है 3 ईजी होगा, 2 हाइडली मॉडरेट हो सकता है, तो आप उनमें से कीजिए ना। तो इनमें से आपको 5 मिनट्स में 15 मार्क्स बनने का होता है, 5 मिनट्स पे 15। उसके बाद आप डीआई पे आइए, नो एरिथमेटिक, एरिथमेटिक टोटली लास्ट। उसके बाद अगर 2 डीआई आता है, एक 100% ड्यूएबल होता ही है, वो डीआई को सॉल्व करने के लिए आपको हार्ड डी 2 से 2.5 से 3 मिनट मैक्सिमम 2.5 मिनट। फिर 5 क्वेश्चन आ गया, अभी एक जो डीआई होगा वो ड्यूएबल होगा लेकिन थोड़ा अप होगा, तो उसको भी आप सॉल्व कीजिए। मान लीजिए उसमें से आपने 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने तीन ही क्वेश्चन, मान लीजिए 2.5 मिनट में आपने तीन ही क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आपको कितना हो रहा है, 10 मिनट्स में कितना क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, 23। आपके पास अभी भी टाइम कितना बचा हुआ है, 10 मिनट्स एंड 12 मार्क्स ये रिमेनिंग है। एथमेटिक सॉल्व कीजिए, अभी बच्चा यहाँ पे जाकर फंस जाएगा क्योंकि एथमेटिक का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो 23 मार्क्स है ना, ये 23 मार्क्स मैक्सिमम बच्चे करेगा क्योंकि ये 23 मार्क्स डुएबल होगा एंड सभी बच्चे इसको लेने का 100% कोशिश करेगा। लेकिन वही बच्चे कहाँ पे जाकर फंसेगा, यही सेक्शन पे, एरिथमेटिक पे। मैं ये चीज बार बार बोलता हूँ, तो इसीलिए एरिथमेटिक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एरिथमेटिक सिर्फ प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद आप एरिथमेटिक बनाइए, 10 अगर आता है 6-7 बनाइए, वही 6-7 मार्क्स दूसरे से एक अच्छा खासा लीड दिलवाएगा आपको, ठीक है। तो यही था, आप जो मैंने स्ट्रेटजी बोला, आप एक बार ये स्ट्रेटजी ट्राई करके देखिए, मैं बोलता हूं कुछ हद तक बेनिफिट जरूर होगा। स्ट्रेटजी बता दिया कि किस तरह आपको अटेम्प्ट करना है, अभी प्लान क्या होना चाहिए, प्लान। अभी तो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दिया, अभी प्लान क्या होगा, ये 6 to 5 to 6 days का प्लान तो होना चाहिए ना। मैं बोलूंगा ये 5 to 6 days में डेली मिनिमम दो मॉक देना ही है, सिर्फ दो मॉक देके देना नहीं है, उसको फुल टू एनालिसिस करना है। फुल टू मतलब उसको कंप्लीटली एनालिसिस कीजिए एंड मॉक टेस्ट को चबा कर खा जाइए। सच में खा मत जाना, मैं चबा के खा जाइए मतलब उसको टोटली एनालिसिस करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, गलती कहाँ पे हो रहा है आप लोगों का, आप लोग गलती कहाँ पे कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन मिस हो रहा है, क्यों मिस हो रहा है, ये ही टाइम देखने का होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टाइम में नया टॉपिक को टच मत कीजिए। अगर मान लीजिए मैं एज ए एग्जाम्पल, कोई बच्चे का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो 30 मार्क खान मत बनो, ये 5 to 6 days में इसको सीखने मत लग जाना, वो डुबा देगा। और बेटर होगा जो टॉपिक है आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, वही टॉपिक को और भी ब्रश अप करो और भी चमकाओ ताकि एग्जाम में आपको करने में मदद मिले, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, डेली मिनिमम दो मॉक। उसके बाद आपको क्या करना है,
दो मुख के बाद सेक्शनल देना है, करेक्ट, सेक्शनल दो, सेक्शनल। अभी सेक्शनल कैसे देना है सर? सेक्शनल, सेक्शनल दीजिए वही सेक्शन का, ज्यादा दीजिए जो सेक्शन में आपका थोड़ा वीक लग रहा है, आपका प्रॉब्लम अगर इंग्लिश में तो इंग्लिश का सेक्शनल ज्यादा दीजिए, मैथ का थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है तो मैथ का सेक्शनल ज्यादा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि रीजनिंग मेरा अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है, आपका ऑन एन एवरेज अगर मॉक में 30+ स्कोर आ रहा है, मैं बोलूंगा मॉक एनालिसिस इज इनफ, दो मॉक एनालिसिस इज इनफ। अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर थोड़ा टाइम ज्यादा क्वांट में दूंगा तो क्वांट से मुझे और 2-3 मार्क्स बढ़ने का चांस है, तो आप क्वांट का सेक्शनल दीजिए। एंड इंग्लिश का अगर लग रहा है कि मार्क्स थोड़ा बुरा आ रहा है थोड़ा सा, तो इंग्लिश का सेक्शनल दीजिए आप, मैं यही बोलूंगा। क्योंकि इंग्लिश का जो आप लोग मार्क्स आप जो आप लोग कमती अटेंड करोगे ना, उसी को कंपनसेट कहां से करना है? क्वांट से एंड रीजनिंग से। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये जो रीडर्स एक्सप्लेनेशन था आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड अगर अच्छा भी अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।